कश्मीर में अशांति और आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर भारत को परेशान करने की कोशिश में लगा है। इस बार पाकिस्तान एक नई सड़क बनाने जा रहा है जो चीन तक जाएगी। इस सड़क के जरिए चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर भारत को घेरने की फिराक में है। जो सड़क पाकिस्तान बनाने जा रहा है वो गिलगित बाल्टिस्तान से चीन के शिनजियांग के यारकंद तक जाएगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान केवल काराकोरम की सड़कों से जुड़े हुए हैं। इस सड़क को 1978 में खुमजदाब दर्रे में एक क्रॉसिंग बनाकर पूरा किया गया था। दुर्गम इलाके से होकर गुजरने वाली सड़क से चीन और पाकिस्तान की सामरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। ठंड के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में नई सड़क के जरिए पाकिस्तान चीन तक की सप्लाई रूट को पूरे साल खुले रखने की तैयारी में है। इसके अलावा ये दोनों देश सियाचिन पर भी नजर रखना चाहते हैं। जो सड़क बनने वाली है वो सियाचिन के उत्तर से गुजरने वाली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चीन और पाकिस्तान इस सड़क के जरिए अपने सामरिक हितों को जरूर साधेंगे। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार ने 15 जनवरी को निर्देश दिया था कि वो शिनजियांग से लगे मुस्तक दर्रे से ट्रकों को निकालने के लिए 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस प्रपोजल तैयार करे। नई सड़क शिनजियांग के यारकंद से जुड़ी होगी जो लद्दाख के पश्चिम में 126 किलोमीटर की दूरी पर गिलगित बाल्टिस्तान में प्रवेश करेगी। इससे स्कार्दू भी कनेक्ट होगा जहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयरबेस है। लेकिन इस रोड का बनना इतना आसान काम नहीं है। दरअसल सुरंगों से भरी सड़क के निर्माण में पाकिस्तान चीन के इंजीनियरों की सहायता लेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे इंजीनियर और मशीनरी नहीं है जो इतने मुश्किल इलाकों में सड़क को बना सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक हालात बेहद खराब है। कर्ज के बोझ से दबे पाकिस्तान के पास शायद ही इतना पैसा हो जो इतने मुश्किल इलाके में सड़क बनाने के लिए फाइनेंस कर पाए। पाकिस्तान के कर्ज की रफ्तार हर साल 11.5% की दर से बढ़ रही है। उधर चीन को छोड़कर बाकी देश पाकिस्तान को नया कर्ज देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। इसके अलावा चीनी मंसूबे भी साफ दिखाई दे रहे हैं।